नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज अपडेट। मुजफ्फरपुर के बंदरा में बूढ़ी गंडक नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने वाला मछुआरा तब हैरान रह गया जब उसमें फंसकर डॉल्फिन बाहर आ गई। मछुआरे के जाल में डॉल्फिन फंसने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अपने हाथों में डॉल्फिन को लेकर सेल्फी खिंचवाने वालों का तांता लग गया। जाल में फंसे डॉल्फिन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का दावा है कि लोगों ने सेल्फी लेकर उसे फिर से नदी में छोड़ दिया। नदी में मिलने वाली यह डॉल्फिन दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन है, जिसे लुप्तप्राय जलजीव में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के तेपरी गांव के लोगों ने बताया कि स्थानीय मछुआरे नाव से मछली मारने निकले थे, तभी जाल में वजनदार जीव के फंसने से नाव डगमगाने लगी। मछुआरों ने जाल को खींचकर निकाला तो उसमें डॉल्फिन निकली। डॉल्फिन पकड़े जाने की खबर मिलते ही आसपास से लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने डॉल्फिन को अपने हाथों में लेकर फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। स्थानीय मुखिया के पति अरुण कुमार राम ने कहा कि तेपरी में डॉल्फिन मिली थी, कुछ ग्रामीणों ने उसके साथ सेल्फी लेने के बाद उसे नदी में छोड़ दिया। ये क्षेत्र हत्था ओपी के तहत आता है। ओपी के प्रभारी मोहम्मद समीम अख्तर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है कि डॉल्फिन की जगह दूसरी मछली रही हो, लोग पहचान नहीं पाए होंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि देर शाम तेपरी में वन रक्षियों की एक टीम पहुंची, ग्रामीणों से बात कर कागज पर कुछ लिखा लिखाया। डॉल्फिन को हाथों में पकड़े हुए लोगों की तस्वीरें तो सामने आई हैं, लेकिन उसे वापस नदी में छोड़े जाने की कोई तस्वीर नहीं है। दुर्लभ प्रजाति की गंगा डॉल्फिन गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। इसे सामान्यतः गंगा नदी डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन या गंगा सोन्स जैसे नामों से जाना जाता है। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे लुप्तप्राय जीवों की सूची में शामिल कर रखा है। भारत सरकार ने इसे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।